हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सभी बड़ों को प्रणाम, चलो का ढेर सारा प्यार। मैं हूँ झुमा, इंडियन ब्लॉगर झुमा। झुमा के चैनल में सबको स्वागत है फिर से एक बार। आज है फ्राइडे, फ्राइडे का शुक्रवार है, तो पूजा पाठ हो गया है, सब कुछ हो गया है। और देखो अभी बाल गीला है और मैंने लंच वंच तैयार कर दिया है। हस्बैंड चले गए मॉर्निंग में, बेटा चले गए ऑफिस और हस्बैंड भी ऑफिस गए। अभी राहुल जाने वाला है, लंच वंच पैक कर दिया, तो अभी मैं जा रही बेटी को लेने। तो पहले बेटी को लेके आती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ, टाइम बहुत हो गया है। और आज एक खुशी का दिन है कि बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो आज बेटी फ्री है, मतलब आज से फ्री है कुछ दिन के लिए। फिर जब क्लास स्टार्ट होगा फिर नया जर्निंग शुरू होगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए बेटी का आज एकदम रिलैक्स से होके आएगी। तो चलो पहले लेके आते हैं, देखते कितना खुश है। तो चलो बेटी स्कूल से आई है, नोडी नमस्ते कर लिया और नमस्ते नमस्ते करके अब मिल रही है कि दीदी तुम्हारी पेपर कैसे गई, दीदी तुम कब कैसे आए हो, सब बात पूछ रही है। सब बात कैसे पूछती है बताइए, पूछ हिला हिला के, नहीं। और पेपर कैसे गई है मेरे मानू का, अच्छा गया है। और कल मैंने ये कल का कपड़ा है सब धो दिए थे, तो अभी इनको तय भी लगाना है, सोफ़ा का कवर ओवर लगाना है। और मेरा ना ये वाला बैग थोड़ा ठीक करना है, इसका निकाल देना है। देखो ये कलकत्ता गई थी तो इसको निकाल दिया था, ये सिलाई कर दिया, अब इसको भी निकाल दूँगी, इसको भी सिलाई कर दूँगी, तो अच्छा हो जाएगा मेरा ये बैग। देखो चिल्ला रही है, तो देखो छुपन छुपाई खेल रही है, कितना चिल्ला रही है, कितना चिल्ला रही है, कितना चिल्ला। तो ये इस चाहती है, नॉडी चाहती हर समय इसको कोई ऐसे करते रहे वैसे करते रहे, ये करे वो करे ये। तो देखो चावल बनाए थे थोड़ा सा, इतना रख दिया बेटी के लिए। और सब्जी बनाना है तो आलू की भुजिया रखा हुआ है और रोटी रखी हुई है, तो ये उधर रख दिया। और गैस वैस सारा फिर सुबह सारा साफ करके सब धो के रख दिए। तो दाल बनाना है, पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, उसके बाद बेटी के लिए बनाऊंगी दाल। तो बेटी के लिए दाल बनाऊंगी तो एक ही बार में हो जाएगा। तो ये मतलब कितना भी साफ करो ना हो नहीं पाते। तो कपड़े को तय लगा रही हूँ और तय लगा देती हूँ, सोफ़ा का कवर तो लगा दिया। और ये बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था, कल ही धो दिया था ये भी, और बाहर वाले के भी दोनों ही चेंज किया था। तो इनको तय लगाती हूँ। तो गुड इवनिंग, और मेरा शाम का पूजा वूजा हो गया है, खाना भी बन गया है, दाल तो बना ही लिया था, गोभी आलू की भुजिया बनाई सिंपल सी और चावल बनाए। तो अभी आते आते 9:30 9:30 बज जाएंगे, अभी 7 बज रहे हैं, तो इसीलिए लेट हो जाएगा, इसलिए बना लेती हूँ, बना लिया है। और मेरा पता है मंगलसूत्र ना टूट सा गया है, तो मैंने इसको अपना मतलब जोड़ जाड़ के पहन लिया, अभी फिर बाद में देखेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना टाइट टाइट से, पर टाइट टाइट नहीं है। तो चलो, और आज मैंने साड़ी पहन ली, और क्योंकि ना साड़ी थोड़ा सा पहन लिया कि जा रही हूँ तो चलो पहन के जाती हूँ। और मुझे मतलब हल्के साड़ी ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे हल्के साड़ी अच्छा लगता है। और मैंने देखो बाल इस तरह से ही बांधा, देखो मेरा मंगलसूत्र आ ही गया बाहर, नहीं चलेगा। तो चलो इसको कुछ और पहन लेती हूँ, पहनी थी ये वाली, तो ये वाली ना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, पर लग रहा है यही वाला पहन के जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। तो देखो फिर से बना के पहन लिए मैंने, मैंने कहा चलो दिखाते हैं फिर से बना के पूरा, देखो एकदम फिट पहन लिए। तो अब चल जाएगी, अब चलेगा, ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, कभी कभार होता है, छोटे छोटे चीज़ हो जाता है कभी कभी। तो चलो जाती हूँ, उसके बाद वहाँ जाके देखते होगा तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो चलो तो वहाँ से मंदिर से आते आते बेटा के साथ थोड़ा सा जा रही हूँ। और यहाँ पे पहले बिग बाज़ार था, तो बिग बाज़ार हट के मॉल दूसरा खुल गए हैं रिलायंस का,
तो वही देखने जा रही हूँ कि कितना बड़ा खुला है। खुला तो काफ़ी दिन था पर मैं जाती नहीं थी। तो बेटा कह रहा है कि आज तुम देख के आओ, उसके बाद तुम देखना क्या है, उसके बाद तुम जब सामान लेना हो तो चले आना। तो मैंने कहा चल ठीक है, देख के आते हैं। तो पहले तो मैं बिग बाज़ार से लेती थी, फिर बिग बाज़ार बंद हो गया तो जब से मैं उधर से ले लेती हूँ। तो चलो, और शाम रात की टाइम है अभी, तो पहुँच ही गए हैं। और ये है मतलब बिग बाज़ार के पास जो मार्केट है, वो वाला मार्केट है। तो हमने कहा कि चलो आए हैं तो चले ही जाते हैं। और बस पहुँच गए बिग बाज़ार, नहीं रिलायंस वाले पे जो खोल रखा है, बहुत बड़ा है। और देखा तो अंदर पूरा, तो आपके साथ शेयर नहीं करें। बस जा रहे हैं, जाके थोड़ा देखती हूँ कैसे हैं क्या है, मतलब तो लेना है जो फ़िलहाल आए हैं। तो खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं, तो सोचा कि चलो कुछ नहीं लेंगे तो एक मैगी का पैकेट ही ले लूँगी। तो यही मैंने कहा मैगी का पैकेट ही ले लेते हैं, तो ये वाला पैकेट ले लिया है और इसे ही लेके आ गई। तो क्योंकि खा लेंगे मैगी तो मेरे घर में चलता ही है, बेटी भी अच्छा लगता है, बेटों को भी अच्छा लगता है, तो हो जाता है। तो और कुछ भी नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा घूम के देख रही हूँ क्या मतलब क्या क्या है और क्या। तो देखा बहुत सामान है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपका आप सामान लेना है तो मैं अगली बार यही आऊँगी। तो नमक का थैली देख रही थी, 1-2 किलो नमक के साथ 2 किलो फ्री, और कैसे ये तो बहुत अच्छा डिस्काउंट। तो अभी आके बैठी हूँ और टाइम देखो 10 बज गए, और कैसे भी करके पैदल ऑटो से, पहले पैदल आओ फिर ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ के फिर आओ फिर पैदल आओ, तो टाइम तो लग ही जाता है। और काफ़ी दिन बाद आज सत्संग गई थी, क्योंकि ना सत्संग में जाने को तो रोज़ ही इच्छा होता है, पहले तो बहुत जाती थी, अब ये होता है टाइम नहीं हो पाता। तो बेटी का पेपर ख़त्म हो गया है आज, तो अब 2 दिन तो आराम करेगी वो, तो इसीलिए ट्यूशन गई नहीं, तो इसीलिए मैं चली गई। अच्छा लगा मुझे भी, बर्थ था और सत्संग में जाओ तो। पर इस समय जो भी कहो जैसा भी कहो, मुझे मतलब मंदिर जाना, सत्संग जाना, गुरु जी का आश्रम जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो थोड़ा अब बैठती हूँ और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड आज नहीं आएंगे, उनका आज नाइट है तो नहीं आएंगे। बेटा तो आ गया है ऑफिस से और राहुल आ जाएगा, तो हम लोग खाना खा लेंगे, दाल चावल भुजिया वही खा लेंगे, और कुछ बनाया नहीं, मन भी नहीं कर रहा है। और बात करके और ज़्यादा मन भी नहीं करता है, जो परसा था वो मैंने लेके आई, खाई नहीं। तो चलो बातें बहुत जीत हो गया है और नोडी बैठ के देख रही है। तो खाना वाना हो गया हमारा, सब कुछ हो गया है, तो अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। तो गुड नाइट, फिर मिलूंगी मैंने आप लोग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, ऑल टाइम स्माइल कर देना, टाटा बाय बाय। तो खाना वाना हो गया हमारा, सब कुछ हो गया है, तो अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। तो गुड नाइट, फिर मिलूंगी मैंने आप लोग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, ऑल टाइम स्माइल कर देना, टाटा बाय बाय।